हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिस गुलीबियो की बुक द $100 स्टार्टअप की समरी। द $100 स्टार्टअप बुक आपको सिखाएगी कि एक एडवेंचरफुल, मीनिंगफुल और परपजफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं। इस बुक के ऑथर 175 से भी ज्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं। वैसे उनकी कभी कोई रियल जॉब नहीं रही, फिर भी उन्हें रेगुलर पे चेक मिलते हैं क्योंकि उनके पास अपने आइडियाज को इनकम में टर्न करने का जो टैलेंट है वो इस बुक को पढ़ने के बाद आप भी सीख सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि पैसा कमाना बड़े सब्र का काम है, एक दिन में कोई रिच नहीं बन जाता। ये बुक आपको बताएगी कि कम पैसे में एक छोटा बिजनेस शुरू करके कैसे उसे धीरे धीरे बड़ा बनाया जा सकता है, और इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेनी पड़ेगी। बस इस बुक में दिए आइडियाज को रियल लाइफ में अप्लाई करके आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सकते हैं। हर वो इंसान जो पैसे कमाने के साथ साथ एक क्वालिटी लाइफ जीने की चाह रखता है, उसे ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपका बिजनेस आपके लिए पैसे कमा सकता है ताकि आप वो सब कर सके जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए? सोचो कि आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां आप जो मन में आए वो करें, जो आपको पसंद हो वो करें, और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा हो। जरा इमेजिन कीजिए कि आपको किताबों से प्यार है और आप किसी बुक पर काम कर रहे हैं या फिर उस प्रोजेक्ट पर जिस पर आप हमेशा ही काम करना चाहते थे। दूसरों के लिए काम करने और उन्हें खूब सारा प्रॉफिट देने के बजाय आप अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। कैसा लगता है सुनकर? अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है। हालांकि इस बुक में आपको ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलने वाला जो आपको फटाफट पैसे कमाने का इजी तरीका बताए, क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है तो मैं भला पैसे कैसे कमा सकता हूँ? सच कहे तो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप कमा लेते हैं, बल्कि हर कोई कमाता है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में किसी ना किसी हुनर के साथ पैदा हुआ है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम इतनी सी है कि आपको ये पता ही नहीं है, इसलिए मैं बताता हूँ कि कैसे इसे ढूंढा जाए। एक दिन माइकल सूट पहनकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला। जब पूरा दिन रोज की तरह नॉर्मल गुजर गया तो इवनिंग में उसके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने माइकल को कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उसे काम से हटाया जा रहा है। माइकल ये सुनकर शॉक्ड रह गया, वो ये एकदम होपलेस हो गया। वो कैसे अपनी वाइफ और बच्चों को बताएगा कि उसकी जॉब अब नहीं रही। कुछ टाइम बाद माइकल उस शॉक से बाहर निकला और उसने एक नई जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। हालांकि वो एक स्किल पसंद था, लेकिन उसके जैसे बाकी और भी थे। उसे कोई भी ध्यान की जॉब नहीं मिल रही थी, तो एक दिन उसके एक फ्रेंड ने, जिसका फर्नीचर का स्टोर था, उसे कहा कि उसके पास कुछ बेकार मैट्रेसेस पड़े हैं जिनका कोई यूज नहीं है। तो उसने माइकल को ऑफर दिया कि वो ये मैट्रेसेस उससे खरीद ले और उन्हें बेच दे, हो सकता है कि उसे कुछ पैसे की कमाई हो जाए। माइकल ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, वो ये रिस्क लेगा, लेकिन सबसे पहले उसे एक जगह की जरूरत थी जहां वो ये मैट्रेसेस रख सके। तो उसने रेंट पर एक जगह ली और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। शुरू के बिजनेस अच्छा चला, लेकिन फिर उसे प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि क्लाइंट्स जब उससे पूछते कि उन्हें किस टाइप का मैट्रेसेस खरीदना चाहिए, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि उसे कोई नॉलेज नहीं थी कि वो किस टाइप के मैट्रेसेस बेच रहा है। तो अब उसने डिसाइड किया कि पहले वो इस बारे में सब कुछ सीखेगा। उसने एक बिजनेस प्लान भी बनाया कि वो एक ऐसा स्टोर खोलेगा जहां बाईसाइकिल से मैट्रेसेस की डिलीवरी की जाएगी, और जो कस्टमर अपनी बाईसाइकिल साथ लाएंगे उन्हें फ्री डिलीवरी दी जाएगी। ये मार्केटिंग का अच्छा तरीका था। उसे यूट्यूब वीडियो से कई सारे कस्टमर मिले जो बाईसाइकिल से मैट्रेसेस ले जाते हुए अपनी वीडियोस बनाते थे, और इस तरह उसका बिजनेस चल पड़ा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। इसे माइक्रो बिजनेस बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट नहीं लगती और मोस्ट ऑफ टाइम इसमें सक्सेस गारंटी से मिलती है। 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स। 1 कन्वर्जेंस,
इसका सिंपली मीनिंग है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका जो पैशन हो वो दूसरों को भी इंटरेस्टिंग लगे। मगर क्या आपने इन दो सर्कल के बीच का छोटा सा ओवरलैप देखा? यही आपकी अपॉर्चुनिटी है माइक्रो बिजनेस के लिए। दो, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोई खास स्किल हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई रिलेटेड स्किल है तो भी आपका काम चल जाएगा। आप जैसे कि टीचर्स टीचिंग में माहिर होते हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन भी बढ़िया होती है, वे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अडैप्ट हो सकते हैं और साथ ही वे डिफरेंट इंटरेस्ट वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आप ये रियलाइज करें कि आप में एक से ज्यादा स्किल्स है। केयरफुली सोच कर देखें कि ऐसी कौन सी स्किल्स है आपके पास जिसे आप दूसरी स्किल्स में ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि उस स्पेसिफिक स्किल से आप अपना माइक्रो बिजनेस स्टार्ट कर पाए। 3. द मैजिक फॉर्मूला। हम दो प्रीवियस लेसन्स को यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको सक्सेस दिलाएगा। पैशन या स्किल प्लस यूजफुलनेस इक्वल टू सक्सेस। हैप्पीनेस को बॉक्स में बंद करके बेचने का तरीका। इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपने एक प्लेट सालमन ऑर्डर की। तभी शेफ आपके पास आकर बोलता है, सालमन बनाना थोड़ा ट्रिकी है, क्या आपने कभी इसे बनाया है? इससे पहले कि आप कुछ कहे शेफ फिर बोलता है, मैं जाकर आयल गर्म करता हूँ, तब तक तुम जाकर हाथ धो के आओ और मुझे किचन में मिलो। आप ये बात कितनी वियर्ड लगती है ना? शायद ये आपके साथ कभी नहीं हुआ होगा। होगा भी कैसे, कौन शेफ आपसे आपका ही खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलता है? जब आप पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं और खाना भी खुद ही बनाना पड़े तो इससे अच्छा घर पे बैठकर ना खा ले। आप इसलिए रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि आप सर्विस और एटमॉस्फेयर के पैसे दे रहे हैं। लेकिन इस सब का भला माइक्रो बिजनेस से क्या लेना देना है? मैं बताता हूँ, ज्यादातर ओनर्स कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे अपना खाना खुद प्रिपेयर करें। उन्हें लगता है कि कस्टमर को ये पसंद है। वे इस कहावत में बिलीव करते हैं, आदमी को एक फिश दो तो वो उसे एक दिन में खाएगा, लेकिन उसे फिशिंग सिखाओ तो वो लाइफ टाइम फिश खाता रहेगा। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर कस्टमर्स फिशिंग नहीं सीखना चाहते, हमें तो अपनी फिश प्लेट में सर्व चाहिए। अब इतनी मेहनत के बाद इतना तो बनता है कि हम खुद को ट्रीट करें, तो इसीलिए जो कस्टमर मानता है उसे वो मिलना चाहिए। आपका बिजनेस, ये माइक्रो बिजनेस का आइडिया आता कहाँ से है? 1. मार्केट में इनएफिशिएंसी। जब कोई सर्टन प्रोडक्ट अपनी एफिशिएंसी यूज करता है तो उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए आ जाता है, तो फिर वो नया प्रोडक्ट आप क्यों नहीं बना सकते? 2. न्यू टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन जब नए नए आए थे तो पूरी मार्केट ही चेंज हो गई थी। ऐप डेवलपर्स जैसी कई सारी न्यू जॉब्स भी निकली थी, तो मार्केट में उन लोगों की बड़ी डिमांड थी जिनके पास ये स्किल थी। दूसरी ओर न्यूज़पेपर का आइडिया भी काफी ब्लूम हुआ क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। 3. ए स्लाइड प्रोजेक्ट। खुद को एक माइक्रो बिजनेस तक लिमिट ना रखें। इनफैक्ट जब आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो आप इनकम बनाने के लिए दूसरे साइड प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचेंगे। 4. बट आई स्टिल वॉन्ट टू मेक मनी डूइंग व्हाट आई लव, व्हाट शुड आई डू? ये हार्ड नहीं है, इनफैक्ट उस काम को करने से कई ज्यादा इजी है जो आप नहीं करना चाहते। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको अपना फेवरेट काम लोगों की नीड या जरूरत से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑथर का एक फ्रेंड था जो कि एक साइड बिजनेस चलाता था और ये काम कुछ ऐसा था जो कि उसे करना पसंद था। लेकिन उसकी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अक्सर लोग जब फर्स्ट टाइम किसी एयरलाइन से ट्रेवल करते हैं तो एयरलाइंस वाले उन्हें फ्लायर माइल्स ऑफर करते हैं, जो कि बेसिकली एक सर्टन अमाउंट ऑफ माइल्स होता है जो आप तब अर्न करते हैं जब आप सेम उसी एयरलाइन से दोबारा ट्रेवल करते हैं, और कुछ फ्लाइट्स के बाद ही आपके इतने माइल्स बन जाते हैं कि आपको फिर एक फ्लाइट फ्री मिल जाती है। अब चलो अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं। गैरी ने ये फ्लायर माइल्स अपने बेनिफिट में यूज किए। कई बार लोग ये माइल्स अर्न कर लेते हैं लेकिन उनके पास ये जानने का टाइम नहीं होता कि इन माइल्स को यूज कैसे किया जाए, उन्हें लर्न करने या इसमें क्या हॉटशिप आएगी ये सब चीजें सॉर्ट आउट करने का टाइम नहीं होता।
इसलिए गैरी ने अपना साइड बिजनेस खोला जहां वो अपने कस्टमर्स को उनके फ्लाइंग माइल्स को ऑर्गेनाइज करके उन्हें ट्रिप बनाकर देता है और हर ट्रिप के लिए वो $250 चार्ज करता है। अब आप पूछेंगे कि कोई भी उस काम के $250 क्यों देगा जो वो खुद फ्री में कर सकता है। तो इसका आंसर है कि $250 कुछ भी नहीं है $5,000 के कंपेयर में जो लोगों को बिना फ्लाइयर माइल्स यूज किए किसी ट्रिप के लिए खर्च करने पड़ते हैं। और गैरी लोगों को बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप बना कर देता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग क्यों उसे पे करते। यहाँ हम देख सकते हैं कि गैरी ने एक ऐसा बिजनेस ओपन किया जो उसके पैसन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, एक कंसल्टेंट जो कि असल में उसका पैसन नहीं है। तो इस तरह उसने अपनी फेवरेट काम को लोगों की जरूरत से जोड़ा, और उसका फेवरेट काम था लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना। कुछ ऐसा करे कि आपकी जॉब आपकी लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करे, ना कि आपकी लाइफ आपकी जॉब के। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए चलो एक केस स्टडी करते हैं। चलो इसका नाम रखते हैं द एक्सीडेंटल वर्ल्डवाइड फोटोग्राफर। काइली हेप वाकई में एक एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर है। उसका एक साइड प्रोजेक्ट है जिसमें कि वो बुक्स लिखती है। उसके हस्बैंड सेवा को रिसेंटली अपनी कंपनी के बजट कट की वजह से जॉब छोड़नी पड़ी, और उसी दिन जब वो जॉगिंग कर रही थी गलती से एक पिकअप ट्रक ने उसे हिट किया। हालांकि उसकी इंजरी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे काफी चोटें आई जिसकी वजह से वो अब लिख नहीं पा रही थी, और इस तरह उसका साइड बिजनेस मंदा पड़ गया। ये पूरा वीक उन दोनों के लिए काफी बुरा गुजरा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक हनीमून ट्रिप लिया जाए, जो कि उन्होंने आज तक नहीं लिया था जबकि उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों ने प्लान बनाया कि हनीमून के लिए यूरोप जाया जाए। काइली जो वेडिंग फोटोग्राफी में अपना लक ट्राई कर रही थी, उसने ट्रेवलन से पहले अपनी वेबसाइट अपडेट करके अनाउंस किया कि वो न्यू बुकिंग्स एक्सेप्ट कर रही है। जैसे ही उसने अपनी वेबसाइट में ये लिखा, उसी टाइम उसे एक रिक्वेस्ट आई। इस बात से काइली का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और अपने ट्रिप से वापस आते ही उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने फोटोग्राफी करियर को अब फुल टाइम जॉब बनाएंगे, एट लीस्ट जब तक बुकिंग्स आती रहे। और ये उनका लक ही था कि बुकिंग लगातार आती रही और उनका बिजनेस चल पड़ा। उनका ये काम इतना सक्सेसफुल हुआ कि अब वे पर ये $90,000 का बिजनेस कर रहे थे। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली? हमने सीखा कि हर चीज एंड में उन 3 लेसन से रिलेट करती है जो हमने प्रीवियसली लर्न किए, कन्विजेंस, स्किल और मैजिक फॉर्मूला। कस्टमर्स कौन होते हैं, उन्हें क्या चाहिए? ओल्ड स्कूल डेमोग्राफिक्स भूल जाओ, जो लोगों को उनके एज, सेक्स, इनकम वगैरह के बेस पर क्लासिफाइड करती थी। बात तो ये है कि आपको हमेशा किसी स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप की जरूरत नहीं है। क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो सिंपली सबको सूट करे। एक डाइवर्स प्रोडक्ट बनाए, अपने ऑप्शन लिमिट ना रखे। कस्टमर्स हमेशा राइट होते हैं? नहीं, कस्टमर्स हमेशा राइट नहीं होते, कभी कभी वो रोंग भी होते हैं। डैन ने अपनी नई वेबसाइट खोली जहां डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स थे। उसने अपनी वेबसाइट के लिए एक बड़ा लॉन्च रखा जिसमें उसके 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिके, और बहुत सारे कस्टमर्स ने उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए मैसेज किए। और शाम होते होते उन्हें एक कस्टमर का मैसेज आया जिसे रिफंड चाहिए था, जिस पर डैन का जवाब था कि ऑफ कोर्स वो उन्हें रिफंड इश्यू करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? डैन रिफंड का रीजन जानना चाहता था, जिस पर उस कस्टमर ने जवाब दिया, पहले मुझे कॉल करो, फिर मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मेरे जैसे कस्टमर को कैसे यूज किया जाता है। डैन ने अपने बाकी कस्टमर्स के थैंक यू मैसेज चेक किए और डिसाइड किया कि वो उस कस्टमर को बोलेगा कि सॉरी, वो कॉल नहीं कर सकता। डैन ने उसे रिफंड इश्यू कर दिया और डिसाइड किया कि वो अपने कोर वर्क पर फोकस करेगा। बेशक उसे उस कस्टमर की गुड एडवाइस नहीं मिली, लेकिन उसे पता चल चुका था कि अगर कोई एक कस्टमर खुश नहीं है तो उसे रिफंड कर दो और अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि कस्टमर का ओपिनियन हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। अगर आपका मिशन स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से ज्यादा लंबा है तो पॉसिबल है कि ये बहुत लंबा हो। मार्केट को इंस्टेंटली टेस्ट करने के लिए 7 पावरफुल स्टेप्स। एक, सबसे पहले आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के तरीके ढूंढ लें जो आपके बिजनेस में आएंगे, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत से लोग भी चाहिए जो इस चीज का ध्यान रखेंगे।
याद है फर्स्ट लेसन क्या था? जी हाँ, सही कहा, कवजेंस। दो, वो मार्केट इतनी बड़ी तो जरूर होनी चाहिए कि आप वहाँ अपना बिजनेस कर सके। तीन, ये जरूर शो कर ले कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं रियल है या नहीं, या फिर लोग जानते भी हैं या नहीं कि उन्हें सच में वो प्रॉब्लम आ रहा है। किसी को ये कन्विंस कराना कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन ऑफर करना दोनों बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब लोगों को उनकी प्रॉब्लम का पता ही ना हो। चार, लोग हमेशा या तो किसी तकलीफ में बेटर फील करने के लिए या फिर अपनी डिजायर पूरी करने के लिए चीजें खरीदते हैं, तो इसलिए आप अपने बिजनेस को एक ऐसा तरीका बनाएं जो जरूरत के हिसाब से लोगों की हेल्प कर सके। पांच, हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचें और जो भी सॉल्यूशन आप निकाले वो बेस्ट होना चाहिए। छह, लोगों की ओपिनियन जरूर सुने, लेकिन ध्यान रहे कि वो आपके पोटेंशियल टारगेट ग्रुप में से हो, वरना जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उसका कोई यूज नहीं होगा आपके लिए। साथ, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करें, लोगों को ये टेस्ट प्रोडक्ट देकर उनकी फीडबैक मांगे। चलो अब एक स्टोरी पढ़ते हैं स्टार्टिंग क्विकली के बारे में। जब तक आपके माइंड में पिछले 7 स्टेप्स है तब तक आपको किसी प्लान की जरूरत नहीं है। जेन और ओमर दोनों फ्रीलांसर थे। जो फ्रीलांस डिजाइनिंग करते थे उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते थे जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, लेकिन फिर उनका इंटरेस्ट इसमें कम होता गया। दोनों हैरान थे कि क्या कोई और भी करियर ऑप्शन उनके लिए हो सकता था। अब ये कोई अच्छा साइन नहीं था, उन्हें इस काम में 1 साल से ज्यादा हो चुका था और इतनी जल्दी बोर हो जाना नॉर्मल बात नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी फेवरेट कंट्री का मैप डिजाइन किया, एक ऐसी कंट्री जहां वे दोनों हमेशा जाना चाहते थे। उस मैप का डिजाइन फिनिश करने के बाद अब वो उसे प्रिंट कराना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसे प्रिंट कराने में उनके $500 खर्च होते, क्योंकि प्रिंटिंग ऑफिस 500 कॉपी से कम प्रिंट नहीं करते थे। तो उन्होंने 500 कॉपीज प्रिंट करवा लिए और अपना अपना मैप ले लिया, लेकिन बाकी के 498 मैप्स का वो क्या करे उन्हें समझ नहीं आया। इनमें से कुछ उन्होंने दे दिए और फिर 494 मैप्स बचे। अब इन बचे हुए मैप्स को उन्होंने अपनी बनाई हुई एक वन पेज वेबसाइट में डाला और सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला और उसके बाद कस्टमर्स आते चले गए। तो इस तरह उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के एक बिजनेस स्टार्ट किया और उतनी जल्दी ही स्टार्ट किया कि जितना जल्दी होना चाहिए। अपना बिजनेस कैसे लॉन्च करें? एक बढ़िया लॉन्च किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इसके बारे में बहुत पहले से ही चर्चा होने लगती है। इसके मार्केट में आने से 1 या 2 साल पहले ही लोगों को पता चल जाता है। आप इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स देखते जाते हैं और जब मूवी फाइनली आउट होती है तो लाइन में लग जाते हैं इसे देखने के लिए। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए आपका बिजनेस लॉन्च भी। लॉन्चिंग से पहले पब्लिक के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में हिंट दें। इससे आपका प्रोडक्ट उनके माइंड में रहेगा और लॉन्च होते ही हिट हो जाएगा। बट डैब बुलशिट, मैं हमेशा सुनता हूँ ये बात कि किसी भी गुड बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उधार लेना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी चॉइस है आप उधार ले या नहीं। आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेविंग बचा कर भी रखी और अच्छा बिजनेस भी चलाया। और हम यहाँ एक पॉपुलर मिसकॉन्सेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बता दे कि अपनी हॉबी को अपना बिजनेस बनाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये याद रहे कि आपका मेन गोल पैसा कमाना होना चाहिए, ना कि मजे करना। पैसे कमाने के लिए इन 3 प्रिंसिपल पर फोकस होना चाहिए। एक, बेस योर प्राइसेस ऑन एंड बेनिफिट्स नॉट कॉस्ट। जब आप प्रोडक्ट्स के लिए प्राइसेस सेट करते हैं तो ये ध्यान रहे कि ये लोगों को मिलने वाले एक्चुअल बेनिफिट पर बेस्ड हो, ना कि इसके कॉस्ट पर और ना ही उस प्रोडक्ट को बनने में लगने वाले टाइम पर, बस बेनिफिट्स का ध्यान रखे। दो, ऑफर लिमिटेड रेंज ऑफ प्राइसेस। आप अपने कस्टमर्स को हमेशा ऑप्शन दे कि वे डिफरेंट प्राइस रेंज में से चूज कर सके, लेकिन ये भी ध्यान रखे कि ऑप्शन लिमिटेड हो। अब एप्पल को देखो, जब भी उनका कोई नया प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे एंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और परफेक्ट लेवल, लेकिन इन तीनों लेवल के प्रोडक्ट्स के प्राइस में मामूली डिफरेंस होता है,
जिससे लोग ज्यादातर लास्ट लेवल वाला परफेक्ट प्रोडक्ट ही खरीदते हैं, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं बनता कि आप $1000 खर्च करके भी एंट्री लेवल की चीज ले रहे हो, जबकि $300 ज्यादा खर्च करने में आपको इसका परफेक्ट वर्जन मिल रहा है। 3 गेट पेड मोर देन वंस, आपका पे बैक एक ही बार क्यों आए? आप चाहे तो पर मंथ एक से ज्यादा बार पे बैक पा सकते हैं, बस कंटिन्यूअस बने रहे। जैसे अब नेटफ्लिक्स को ले लो, आप उनके स्ट्रीमिंग सर्विस देखने के लिए मंथली पे करते हैं, उनका पे दे हमेशा रहता है, हर रोज, हर मंथ और हर साल। फ्रेंचाइजिंग वर्सेस पार्टनरशिप, मैं आपको फ्रेंचाइजी का सच बताता हूँ। सिंपली कहे तो एक बड़ी कंपनी एक बड़े से अमाउंट के बदले आपको अपना नाम बेचती है, फिर सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है, आप कहाँ पर स्टोर खोलेंगे, किसको हायर करेंगे, और यहाँ तक कि वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको खुद के बिजनेस में आपको क्या पहनकर काम पर आना है। ये उस कंपनी की तो सक्सेस मानी जाएगी जिसकी फ्रेंचाइजी आपने ली है, लेकिन क्या ये आपकी भी उतनी ही सक्सेस है? आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं है, आपने तो सिंपली अपने लिए एक रेडीमेड जॉब खरीद ली है, तो फिर एक यूजलेस फ्रेंचाइजी से अच्छा है कोई पार्टनरशिप की जाए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रहे कि अपना पार्टनर सोच समझ कर चूज करे, ये शो कर ले कि आपको इस पार्टनरशिप से क्या एक्सपेक्टेशन है, वरना इसके एडवांटेज कम डिसएडवांटेज ज्यादा होंगे। एज अ रूल ऑफ थंब, किसी भी पार्टनरशिप को 1+1+3 का रूल फॉलो करना चाहिए, मतलब कि दोनों पार्टनर जितना अकेले खुद प्रॉफिट कमाते, साथ मिलकर उसका 33% ज्यादा कमाना चाहिए। एडवाइस, नो थैंक्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अनवांटेड एडवाइस और अननीडेड परमिशन का ध्यान रखे। जब हमारे ऑथर ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो कई सारे लोगों ने उन्हें एडवाइस दी कि ये करो, वो मत करो, वगैरह वगैरह। ऑथर ने सबकी बात सुनी, अप्रिशिएट भी किया, मगर किया वही जो उन्हें सही लगा। असल बात तो ये है कि जिन लोगों को आपके काम के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें इस बारे में कोई भी एडवाइस नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप अपना बिजनेस चलाओ, उन लोगों के जैसे मत बनो जो लिटिल सन्स में तो बिजनेस के मालिक है, लेकिन एक्चुअली में लोगों की बातें सुनकर अपने बिजनेस के डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी द $100 स्टार्टअप बुक की समरी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।